वेलकम बैक। यूएमबी न्यूज देख रहे हैं आप। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा देश भर के मौसम का हाल। वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में बताइए किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं। साथ ही अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूले। आपको बता दें, दक्षिण राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, उत्तर भारत के तापमान में गिरावट। बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र के कारण दक्षिण राज्यों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। आईएमडी की भविष्यवाणी की माने तो 28 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच केरल और माहे में गरज के साथ बिजली की संभावना है। देश से दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने तो कब की विदाई ले ली है, पर उत्तर पूर्वी मॉनसून के साथ बारिश का एक बार फिर लोगों को सताने लगी है। पिछले कुछ दिनों से दक्षिण से 5 राज्यों में लगातार बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में भी यहां राहत की उम्मीद नहीं है। 31 अक्टूबर तक केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और दक्षिण कर्नाटक समेत आसपास के इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि मध्य और उत्तर भारत में बारिश तो नहीं हो रही है, पर यहां ठंड का कहर जारी है। कश्मीर और हिमाचल की पहाड़ी पर बर्फबारी शुरू है। ऐसे में उधर से आने वाली हवाएं तापमान का पारा गिरा रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी से उत्तर भारत में बड़ी ठंड। दिल्ली एनसीआर में लोगों ने निकाला स्वेटर। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। पिछले दिनों सितंबर और अक्टूबर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी जनवरी फरवरी में रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ने वाली है। अगले 24 घंटों में मौसमी मिजाज। निजी संस्था स्काईमेट वेदर के अनुसार दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना है और अगले कुछ दिनों में इसके पश्चिम दिशा में बढ़ने की संभावना है। यह पश्चिम दिशा में तमिलनाडु की ओर बढ़ेगा। एक संबंध चक्रवाती परिसंचरण मध्यम क्षोभ मंडल स्तर तक फैल रहा है। इस सर्कुलेशन के कारण दक्षिण के राज्यों में बारिश होगी। इधर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों सहित उत्तर भारत में तापमान में और गिरावट आने की संभावना जताई गई है। यानी उत्तर भारत में आने वाले दिनों में ठंड में बढ़ोतरी होगी। दक्षिण राज्यों में बारिश जारी रहेगी। वही बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण दक्षिण राज्यों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। आईएमडी की भविष्यवाणी की माने 28 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच केरल और माहे में गरज के साथ बिजली की संभावना है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और रायलसीमा में भी इस दौरान बारिश की आशंका है। हिमाचल और कश्मीर में बर्फबारी से तापमान में गिरावट है। इसके अलावा तटीय और आंतरिक कर्नाटक में 31 अक्टूबर को भारी बारिश हो सकती है। बिहार में मौसम शुष्क रहेगा। अगर बात करें उत्तर भारत के राज्य बिहार की तो यहाँ सुबह और रात में हल्की ठंड पड़ने लगी है। पश्चिमी हवा के कारण तापमान में गिरावट आई है। बुधवार और गुरुवार को राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 3 डिग्री गिरकर 28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान में भी 2 डिग्री की गिरावट के साथ 14.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार इन दिनों राज्य में पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी नमी युक्त हवा के कारण वातावरण में बदलाव देखने को मिल रहा है। रात के तापमान में गिरावट आई है। बारिश की स्थिति फिलहाल नहीं है बिहार के अधिकतर हिस्सों। तो अभी के अपडेट में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो देखते रहिए यूएमबी न्यूज़।